Okay students, welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Once again, warm welcome. Good morning, student. बेटा लेक्चर नंबर हमने थर्ड में आपसे डिस्कस किया था सेक्शन फॉर्मूले को ड्राइव करना. ओके कि हमने सेक्शन फॉर्मूले में इंटरनल सेक्शन के फॉर्मूले को हमने डिस्कस किया आपसे, उसमें एक्सटर्नल फॉर्मूले को हमने डिस्कस किया, मिड पॉइंट को लेकर हमने डिस्कस किया था. ओके बेटा आज हम प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से वो क्वेश्चन आपका एग्जामिनर किस तरह से पूछेगा. ओके बेटा चलिए नेक्स्ट सी क्वेश्चन लिखा बेटा. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो 1:2. क्या कर रहा है बेटा? इंटरनली इन द रेशियो, इंटरनली कर रहा है. इंटरनली में याद की दिया बच्चों, आपको मैंने पॉइंट बताया था बेटा कि यहाँ पे पॉइंट पी और पॉइंट क्यू है. आपके पास पी एक्स वन कॉमा वाई वन क्यूबिक कोऑर्डिनेट, एक्स टू कॉमा वाई टू एंड यार एक आर पॉइंट का विच डिवाइड करता रेशियो एम वन रेशियो एम टू में कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई. तो आपके पास आर की कोऑर्डिनेट हो गए आर एक्स कॉमा वाई. फॉर्मूला था एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन इज डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन इज डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू. आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे राइट, जब इंटरनल सेक्शन के बारे में बात आती थी आपसे. ओके तो यही हमें यहाँ पे वर्क करना है. देखिए आपको उसने पॉइंट बताया ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन है. ओके तो यानी ए के कोऑर्डिनेट को हमने एक्स वन और वाई वन कॉल किया, तो एक्स वन की वैल्यू वन एंड वाई वन की वैल्यू माइनस टू, एक्स टू की वैल्यू फोर एंड वाई टू की वैल्यू सेवन. विच रेशियो? एम वन रेशियो एम टू. कौन सा रेशियो बताया इसने आपको? 1:2. इस फॉर्मूले में फिट कर लेंगे और इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका एक आंसर गेट हो जाएगा जो मुझे इंटरनली चाहिए होगा. पॉइंट क्लियर हो गए? यानी आर के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? आर के कोऑर्डिनेट आर एक्स वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स टू. भाई यहाँ पे पी और क्यू इट मीन यहाँ पे आप यूज कर सकते फॉर्मूले में ए और बी, ठीक है ना. आप ए और बी की वैल्यू बता दीजिए. आपके पास ए की वैल्यू कितनी? 1, -2. बी की वैल्यू कितनी आपके पास आएगी बेटा? यहाँ पे आपके पास 4, 7. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करने वाले हैं? एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन इज डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन इज डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू. सिंपल सा पॉइंट है. देखिए वैल्यूज को, एम वन की वैल्यू देखिए कितनी आपके पास. एम वन की वैल्यू देखिए आपके पास 1 इंटू एक्स टू की वैल्यू, एक्स टू बताइए कितना आपके पास यहाँ पे 4 प्लस एम टू की वैल्यू 2 इंटू एक्स वन की वैल्यू 1 इज डिवाइडेड बाय 1:2 इट मीन 1+2. नेक्स्ट वाला एम वन वाई टू, एम वन की वैल्यू 1 एंड वाई टू की वैल्यू 7 प्लस एम टू की वैल्यू आपके पास है 2 इंटू वाई वन की वैल्यू है -2 इज डिवाइडेड बाय 1+2. तो फाइनली आपने इससे वैल्यू गेट कर लिया. इससे वैल्यू कितनी आई? 4 1 और 2 1 2. 4 2 कितना? 6 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा 7. 2 2 4, 7 -4 3 3/3. यानी कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, 1. दैट्स ऑल. देखिए कितने इजी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. ये इंटरनली के केस में. सेम इसी क्वेश्चन को क्या ना क्या जाता है एक्सटर्नली. तो आप एक्सटर्नली के लिए क्या करते हैं? एक्सटर्नली के लिए जहां प्लस यूज किया बस वहां पे क्या कर देते हैं आप लोग? माइनस यूज करते. बट कब? जब वो क्या कॉल करता है आपसे? एक्सटर्नली कॉल करेगा. इंटरनली की जगह क्या कॉल कर देता है वो? एक्सटर्नली. यानी आपके पास ए और बी और एक आर पॉइंट है आर एक्स कॉमा वाई जिसके कोऑर्डिनेट है. ए के कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन एंड बी के कोऑर्डिनेट एक्स टू कॉमा वाई टू और आर के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई. जो आर पॉइंट है उस ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? एम वन रेशियो एम टू में. तो एक्सटर्नली करता है. तो फॉर्मूले में क्या होता है? जितना प्लस थे उन सब प्लस के रिप्लेस में क्या कर देते हैं? ऑनली माइनस यूज कर लीजिए. क्या यूज कर लीजिए? माइनस. तो क्या गेट हो जाएगा? एक्सटर्नली सेक्शन. वो पॉइंट क्या है उसे एक्सटर्नली क्या करोगे? डिवाइड करोगे. तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे वो इजीली हम गेट कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स क्लियर बेटा? पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट. ओके स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा. अभी हमने डिस्कस किया इंटरनली और एक्सटर्नली के पॉइंटों को लेकर. ओके अब आते हैं क्वेश्चन में. क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी. यानी ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की मुझे क्या गेट करने है? मिड पॉइंट गेट करने है. यानी आपके पास ए 2, 0 उसने बी डिफाइन किया बिल्कुल 0, 2. सपोज देखिए कार पॉइंट है जिसका क्या है? मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट क्या? मिड मीन्स मिड पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? इसको 1:1 में क्या कर रहा होगा? डिवाइड कर रहा होगा. याद करो यार आपको मैंने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताए थे. क्या होते हैं? एक्स वन प्लस एक्स टू इज डिवाइडेड बाई 2 एंड वाई वन प्लस वाई टू इज डिवाइडेड बाई 2. ये मिड पॉइंट के आपके पास
कोऑर्डिनेट हुआ करते थे। पॉइंट क्लियर हो गया? तो बस आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले में फिट करना है और डायरेक्ट आंसर देना है। देखिए आपके पास x1 कितना है 2, y1 कितना है 0, x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 एंड y2 की वैल्यू कितनी गेट हो गई है 2। फॉर्मूले में फिट कर दीजिए और आंसर यूज कीजिए r x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 यानी 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। इट मीन्स फाइनल वैल्यू कितनी आपके पास 1, 1, दैट सॉल्व है मिड पॉइंट हो गया। इसलिए गेट हो गया कि हम यदि लाइन के मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हो तो हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यार नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पी पॉइंट है कोई 2, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको पी की वैल्यू बतानी है। देखिए काफी इजी है। अब आपको क्या कर दिया, मिड पॉइंट गिवन करके किसी एक अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड करा रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मिड पॉइंट पॉइंट गिवन थे टू पॉइंट्स, उसमें कोई भी मिसिंग नहीं था, डायरेक्ट हमें मिड पॉइंट गेट करने थे। अब क्या करते हैं, मिड पॉइंट गिवन करके उन टू पॉइंटों में कोई एक पॉइंट को मिसिंग करके उसकी वैल्यू पूछी गई आपसे। ओके तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल से पॉइंट है उसमें गिवन किया कि भाई ए और बी इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन है विच कोऑर्डिनेट 6, -5, -2, 11 एंड दिस पॉइंट पी डिवाइडेड करना है बेटा इसको 1:1 में, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको लर्न है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है इसका। ओके तो अब इस फॉर्मूला फिट कीजिए। देखिए p के कोऑर्डिनेट 2, P x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट कीजिए, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास वैल्यू गेट हुई इसकी 6 - 2 यानी 4, 4/2 कॉमा 6/2 -5 + 11 + 6 डिवाइड बाय 2 कितना गेट हो गया 2, 3। क्लियर हो गया बताते हैं, यानी आपने क्या गेट के लिए, आपने गेट क्या है, पी के जो कोऑर्डिनेट थे वो 2, P एंड इसकी जो वैल्यू आई है कितनी गेट हो गई 2, 3। ऑर्डर्ड पेयर हो गया, इसको ऑर्डर्ड पेयर कॉल कर दें। पेयरिंग में एक्स को एक्स के साथ कंपेयरिंग, वाई को वाई के साथ कंपेयरिंग करते हैं। क्लियर है, एक्स को एक्स के साथ कंपेयरिंग, y को y के साथ कंपेयरिंग करेंगे तो इट मींस p की वैल्यू कितनी गेट होगी आपके पास 3 गेट होगी। दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर जो इसने आपसे पूछा था बेटा। ओके स्टूडेंट कोई डाउट तो नहीं बेटे, तो पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स चलते बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखिए वर्ड है ट्राइसेक्शन, पहले इसका मीनिंग समझिए। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ट्राइसेक्शन का मीनिंग ये होता है ए बी सी एंड डी। देखिए 3 इक्वल पार्ट्स ही हो गए, ए टू बी, एक्स कह दीजिए, कॉल कर लीजिए। आपको नहीं पता है तो 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो आपने क्या कहा ये एक्स है, आपने इसको कॉल कर दिया ये भी एक्स और ये भी क्या हो गया एक्स हो गया, तो 3 इक्वल पार्ट्स हो गए इसके। इट मींस यानी ए बी BC एंड CD तीनों के इक्वल पार्ट्स आपने क्या कहते हैं एक्स कैरी कर दिया। ठीक है अब एक बार देखिए यहां पे आपको फाइंड करना है, इसके अकॉर्डिंग फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, A और कोई B है। ठीक है ना, उस ज्वाइन उस A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन के ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं मेरे को। ओके यानी जो भी पॉइंट इस लाइन को ट्राइसेक्ट बना रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। देखो कैसे बताएंगे उसको, इजी सा पैटर्न समझो। पहले आपने कोई एक लाइन ड्रॉ की थी A और B वाले पॉइंट्स को लेकर, उसमें आपने कहा लेट करें भाई सपोज दैट कि गिवन पॉइंट x x x हो गए क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड दे रहे। ओके सबसे पहले आपको जब भी किसी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, सबसे पहले आपका टारगेट ही होता है उसका रेशियो पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे रेशियो को डिफाइन नहीं किया, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं उसके रेशियो को फाइंड करने वाला हूं। देखो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जो बी पॉइंट है वो इस पूरी एडी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट बी डिवाइडेड बाय किस पॉइंट में डिवाइड कर रहा है ये बताएंगे। ओके ना पहले हम ये देखेंगे बी पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैं जब एट पॉइंट बी पर हूं तो वो एडी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। देखिए एडी लाइन है ना, बी पॉइंट है,
एडी रैंक को किससे छोटे डिवाइड करेगा? आप एक बार बताइए, आपको ए बी और आपको बी डी चाहिए, क्योंकि रेशो चाहिए ना, ए से बी का और बी से डी तक का रेशो चाहिए। तो ए से बी तक कितना था एक्स, बी से डी कितना हो गया ये भी एक्स ये भी एक्स, एड हो कितना हो गया टू एक्स, तो कितना है वन अपॉन टू। यानी अब आपको रेशो पता लग गया कि भाई ए बी और बी डी के बिटवीन जो रेशो आने वाला कितना आने वाला है वन रेशो टू आने वाला है, ठीक है ना, ये वैल्यू आने वाली है यानी वन अपॉन टू। इसी टाइप से जो आपके पास ट्राई सेक्शन का एक अनदर पॉइंट है सी पॉइंट, ये जो सी पॉइंट है उस ए और डी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है वो समझते हैं। एट पॉइंट सी पे यदि मैं डिस्कस करूं, एट पॉइंट सी, तो जो पॉइंट सी है वो ए और डी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा, ध्यान से देखना बेटा, जो सी पॉइंट है वो ए और डी लाइन को यानी ए डी लाइन को, देखो पहले ए से सी का रेशो चाहिए होगा और सी से डी का रेशो चाहिए होगा, इट मीन्स ए सी अपॉन सी डी चाहिए आपको। तो ए से सी तक की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्स, एक्स कितना हो गया आपके पास टू एक्स, सी से डी तक की वैल्यू कितनी है आपके पास एक्स, तो कैंसिल कर दिया कितना आ गया टू, टू अपॉन कितना हो गया वन। तो यानी अब आपको पता लगे जो सी है वो ए और डी लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, टू रेशो वन में, टू अपॉन वन यानी टू रेशो वन में। और जो बी पॉइंट था वो ए डी लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा था, वन रेशो टू में डिवाइड कर रहा है, वन रेशो टू। तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको जो भी क्वेश्चन गिवन हो तो ट्राई सेक्शन के बारे में बातें थी हमारी, किसके बारे में बातें थी ट्राई सेक्शन में, इसी टाइप से वो आपको ट्राई सेक्शन क्वेश्चन में फोर सेक्शन कह देता, तो फिर क्या करते आप लोग, क्वेश्चन में उसमें गिवन करता फोर सेक्शन, तो आप कैसे फाइंड करते थे फोर सेक्शन के लिए, यानी उसे कितने पार्ट होंगे, फोर इक्वल पार्ट होंगे। तो देखिए फोर सेक्शन में कैसे करते कॉन्सेप्ट को, आपके पास ये कोई सपोज दैट ए कोई लाइन है ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी, या आपके पास कितने पार्ट्स होंगे इक्वल, फोर पार्ट्स, फोर सेक्शन इन फोर इक्वल पार्ट्स, इट मीन्स मैंने कहा ऐसा लिया डिस्टेंस एक्स, ये भी एक्स ये भी एक्स एंड ये भी एक्स होंगे, ओके। तो आप कैसे बताएंगे, चलिए अब समझते हैं मेरे पॉइंट को। देखिए जो बी पॉइंट है, यदि मैं एट पॉइंट बी के बारे में बात करता हूं, ध्यान से समझेंगे आप बात को, रेशो निकालने, जो बी पॉइंट है उस ए से ई तक की लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा ये बताएंगे, किस रेशो में डिवाइड करेगा। देखो डिवाइड रेशो निकालना ना, बी पॉइंट ए ई लाइन को, तो पहले ए से बी फिर बी से ई पे जाएंगे, तो ए से बी का रेशो लिखिए एंड फिर बी से ई का रेशो लिखिए, ए से बी कितना है एक्स और बी से ई कितना है एक्स एक्स एक्स, एड कर दीजिए कितना हो गया थ्री एक्स, तो एक्स अपॉन थ्री एक्स, एक्स एक्स कैंसिल कितना आ गया वन अपॉन थ्री, यानी किस रेशो में डिवाइड करता है वन रेशो थ्री में, कौन बी पॉइंट ए से ई तक की लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है वन रेशो थ्री में डिवाइड करता है, क्लियर। अब आते सी पॉइंट को लेकर, जो पॉइंट सी है आपके पास, एट पॉइंट सी, जो पॉइंट सी है आपके पास वो पॉइंट सी ए से ई तक की लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा, सी पॉइंट ए से ई तक की लाइन को किस में डिवाइड करेगा, देखिए ए से सी चाहिए एंड सी से ई पे आइए, ए से सी कितना आपके पास ये भी एक्स ये भी एक्स, कितना हो गया आपके पास टू एक्स, सी से ई पे आइए ये भी एक्स ये भी एक्स, कितना हो गया टू एक्स, कितना रेशो है वन रेशो वन, यानी इट मीन्स ए सी अपॉन सी आपको गेट हो गया कितना है वन अपॉन वन, इट मीन्स वन रेशो वन, और वन रेशो वन का मीनिंग क्या होता है मिड पॉइंट, क्या होता है मिड पॉइंट, जब कोई पॉइंट किसी लाइन को वन रेशो वन में डिवाइड करती है तो आप उसे क्या बोल करते हैं मिड पॉइंट, यानी इसका मीनिंग क्या हो गया फोर सेक्शन में जो पॉइंट सी होगा वो क्या करेगा इसको मिड पॉइंट को कॉल करेगा, क्लियर होगी बात। अब आते हैं डी पॉइंट को लेकर, एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, अब आप डी से डिस्कस करते हैं, देखिए डी के बारे में डिस्कस डायरेक्ट बताइए कितना होगा, जो डी होगा वो इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा, देखिए ए से डी और डी से ई, ए से डी और डी से ई कितना लिखेंगे देखना, ए से डी पे कितना हो गया एक्स एक्स एक्स, कितना हो गया थ्री एक्स, और डी से पे कितना हो गया एक एक्स, तो कितना हो गया आपके पास थ्री एक्स अपॉन एक्स, इट मीन थ्री अपॉन वन, तो किस रेशो में डिवाइड करना है यार थ्री रेशो वन में डिवाइड करना है, तो इट मीन्स जो बी पॉइंट होगा वो ए ई लाइन को वन रेशो थ्री में डिवाइड करेगा, जो सी पॉइंट होगा वो ए ई लाइन को वन रेशो वन में, इट मीन्स मिड पॉइंट में डिवाइड करेगा, जो डी पॉइंट होगा वो ए ई लाइन को थ्री रेशो वन में डिवाइड करेगा, ओके बेटा। तो ट्राई सेक्शन एंड फोर सेक्शन के पॉइंट्स को क्लियर हो गया बेटा, क्लिक पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट, फिर बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं,
ओके अब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। आपसे ट्राई सेक्शन और फोर्थ सेक्शन में डिस्कस किया है, अब ट्राई सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने क्या था आपको, उसने क्या गिवन किया, ये ए हो गया आपके पास और ये बी पॉइंट हो गया, इन दोनों को जॉइन करने वाला यानी ट्राई सेक्शन हो रहा है, थ्री इक्वल पार्ट हो रहे हैं। सपोज दैट ये सी पॉइंट हो गए, सपोज दैट ये डी पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो सी और डी इस ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे समझते हैं। अभी पता है बेटा जब ट्राई सेक्शन का केस था, जो सी पॉइंट होगा वो ए से बी तक की लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 में। पॉइंट बताया था ना अभी, इससे एक्स और इससे यहां से तक का कितना लगा, ये एक्स कितना लगा, 2x। तो एक्स अपॉन 2x कितना गेट हो गया, 1/2, इट मीन 1:2। इसी तरह से जो डी पॉइंट होगा वो ए से बी तक की लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में। अब आपके पास फाइनली सारा पॉइंट आ गया। फर्स्ट पॉइंट को क्लिक कर लीजिए, फर्स्ट केस लीजिए इसका, ए और बी लाइन को जो पॉइंट सी है वो 1:2 में डिवाइड करा है। ए के कोऑर्डिनेट से डिफाइन किया आपको 4, -1, बी के कोऑर्डिनेट से डिफाइन किया -2, -3 एंड सी के पॉइंट आपको पता नहीं तो सी को यूज कर लीजिए x, y। इंटरनली है ना, तो इंटरनली सेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटरनली सेक्शन का, यानी सी एक्स कॉमा वाई, m1 x2। देखिए ये m1, ये m2, x1 y1 x2 y2, m1 1 x2 -2 + m2 2 x1 4 ÷ 1 + 2, m1 y2 m1 1 y2 -3 + m2 2 y1 -1 ÷ 1 + 2। ओके कैलकुलेट, डू योर सेल्फ सॉल्व कर लीजिए इसकी कैलकुलेशन को। ओके नेक्स्ट, सेम एज इट इज, जिसका केस 2 बनेगा, उस 2 केस में जो ए बी लाइन होगी, जो डी पॉइंट होगा वो ए बी लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा था, 2:1 में। ओके ए के कोऑर्डिनेट कितने आपके पास बेटा, 4, -1, बी के कोऑर्डिनेट है -2, -3, डी के कोऑर्डिनेट x, y। ओके तो इसी तरह से ये भी इंटरनली कर रहा है, इंटरनली सेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना और डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो इस तरह से हम ट्राई सेक्शन वाले कोऑर्डिनेट को हम फाइंड कर लेते हैं। ओके बेटा इन क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप डू योर सेल्फ सॉल्व कर लेंगे। ओके बेटे पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा अभी तक अपने क्वेश्चन में इंटरनल सेक्शन के पॉइंट को गेट किया है, इंटरनल सेक्शन के जो कोऑर्डिनेट को आपने फाइंड करना सीखा है बेटा। अब यदि आपके क्वेश्चंस में इंटरनल सेक्शन के कोऑर्डिनेट तो गिवन कर दे, आपसे रेशियो पूछे, तो किस तरह से क्वेश्चनों को डील करेंगे। देखो यार जब भी आपके पास रेशियो पूछता है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स -4, -6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, इट मीन्स साइंस क्या उसका, उसने कहा भी ए और बी है, इनको ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है -6, 10 एंड बी के कोऑर्डिनेट हो गए 3, -8। एक अनदर पॉइंट है, सपोज है जिसे पी पॉइंट कर लीजिए, आर कोऑर्डिनेट, आर को डिफाइन कर लेते हैं -4, 6। ओके ये कह रहा है कि यार बता, जो ये आर पॉइंट है जिसने कोऑर्डिनेट -4, -6 है, वो इस ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। जब भी रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है, आई डोंट नो कि रेशियो क्या डिफाइन करने होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी रेशियो आपसे पूछता है, एक अननोन और एक नॉन क्वांटिटी को डिफाइन करना है, चाहे तो एज यू विश दोनों ही अननोन क्वांटिटी लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इजी जो रहेगा वो एक अननोन और एक नॉन को लेकर रहेगा। ओके तो मैंने कर लिया m:1, क्या ले लिया, m:1 ले लीजिए, एक अननोन हो गया और एक नॉन हो गया आपके पास, क्लियर हो गया अगर बातें। अब एक बात बताइए, आपके पास x1 की वैल्यू -6, y1 की वैल्यू 10, x2 की वैल्यू आपके पास 3, y2 की वैल्यू -8, m1 ÷ m2 उसने डिफाइन किया m:1। इंटरनली हो रहा है तो इंटरनली के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, यू नो दैट वेरी वेल, rxy m1 x2 + m2 x1 ÷ m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 ÷ m1 + m2। इस फॉर्मूले में वैल्यू को चिपकाइए, देखिए rxy कोऑर्डिनेट -4, -6 = m1 की वैल्यू देखिए कितनी आपके पास m, x2 की वैल्यू कितनी आपके पास है यहां पे देखिए 3, m2 की वैल्यू कितनी आपके पास 1, x1 की वैल्यू है -6 ÷ m1 + m2 ÷ m+1। फिर m1 की वैल्यू पुट कीजिए m, y2 की वैल्यू कितनी -8,
एम टू की वैल्यू है आपके पास 1 एंड वाई वन की वैल्यू जितनी आपके पास 10 इज डिवाइडेड बाई एम प्लस 1 कितने लोग यहां तक आते हैं इसको कैलकुलेट कीजिए देखिए कितना आपके पास आता है माइनस के 4 कॉमा माइनस के 6 इज इक्वल 3m माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय m प्लस 1 माइनस के 8m प्लस के 10 इज डिवाइडेड बाय m प्लस 1 यार इनको एड सब्ट्रैक्ट ना कर लेना क्योंकि दोनों अननोन क्वांटिटीज है ये अननोन है 3m और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी यूज हो रही है क्योंकि दोनों आपस में कैसे अननोन है यूजेस एक फेस नहीं है कभी ने सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए 3m माइनस 6 यानी 3m ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है ना यार ऐसा कुछ नहीं सेम एज इट इज रहेंगे जैसा लिखा हुआ है ओके अब आपको कर रहे हैं यार देखिए ऑर्डर्ड पेयर में ये भी ऑर्डर्ड पेयर में ये भी यानी ये एक्स ये वाई ये एक्स और ये वाई यानी ये एक्स की वैल्यू को एक्स के साथ कंपेयरिंग कर लीजिए वाई की वैल्यू को वाई के साथ कंपेयरिंग कर लीजिए यहां पर आपके लिए गुड न्यूज है क्या चॉइस है कि आपके पास यहां पे काम कर सकते हैं कि आप या तो एक्स की हेल्प ले लीजिए या आप वाई की हेल्प ले लीजिए किसी एक की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो मैं एक हेल्प लेता हूं ऑन एक्स एक्सिस की केवल ऑन एक्स एक्सिस पे वैल्यू लिखी माइनस 4 इज इक्वल टू 3m माइनस 6 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी कितनी आएगी माइनस के 4m माइनस 4 इज इक्वल टू 3m माइनस 6 इसको दिस साइड 3m दिस साइड तो माइनस के 7m माइनस 4 दिस साइड लिया तो माइनस के 2 तो m की वैल्यू फाइनली गेट होती है 2 अपॉन 7 ये आपने गेट किया m बट अब आपको क्या बताना है रेशियो बताने थे इसके तो रेशियो बताने के लिए देखिए क्या करेंगे आपने क्या बनाया था एम रेशियो 1 ये तो राइट किया था तो रेशियो को डिफाइन करना है ना एम रेशियो 1 इट मींस 2 अपॉन 7 रेशियो 1 रेशियो में जो अपॉन में होता है इसको क्या कर लेता है मल्टीप्लाई कर लेता है उसके न्यूमरेटर में तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो कितना देगा 2 रेशियो 7 तो यानी एम रेशियो 1 कितना आपके पास था 2 रेशियो 7 यानी जो आर पॉइंट है वो ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2 रेशियो 7 में डिवाइड करेगा क्लियर हो गया तो जब भी आपको किसी भी कंडीशन में रेशियो फाइंड करने होते हैं एक अननोन और एक नॉन क्वांटिटी लेट करके इंटरनल सेक्शन के फॉर्म में फिट करके वैल्यू को गेट कर लेते हैं ओके स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट ओके स्टूडेंट्स चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इन व्हाट रेशियो द पॉइंट पी एम कॉमा 6 डिवाइडेड द जॉइन ऑफ दिस पॉइंट आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फिर से वही क्वेश्चन है अब ये जो P पॉइंट है वो इस ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है रेशियो नहीं बताया इसने तो क्या करने वाले हैं समझेंगे बेटे देखिए आप यार यहां पे समझिए माइनस 3 कॉमा माइनस 1 बी पॉइंट हो गया माइनस 8 कॉमा 9 ठीक है यार ये आपने कोई गया P पॉइंट विच कोऑर्डिनेट m कॉमा 6 हो गया जो ये P पॉइंट है यार A से B को किस रेशियो में डिवाइड करेगा m रेशियो 1 में लिखते थे बट यहां पे उसने m डिफाइन कर दिया है तो हमें m नहीं यूज करूंगा कोई अनदर क्वांटिटी यूज कर लेता हूं k रेशियो 1 ठीक है इसलिए मैंने k रेशियो 1 लिखा एज इट इज आप m रेशियो 1 भी लिख सकते हो बट मैंने m इसलिए यूज नहीं किया है क्योंकि m मेरे पास है गिवन कर दिया क्वेश्चन में क्लियर होगी बात अब ये इंटरनली हो रहा है ठीक है तो फिर से भी कॉल दीजिए भैया x1 की वैल्यू माइनस 3 y1 की वैल्यू माइनस 1 x2 की वैल्यू माइनस 8 एंड y2 की वैल्यू 9 m1 रेशियो m2 कितना गिवन किया उसने k रेशियो 1 फाइनली वैल्यू पुट कीजिए इंटरनल सेक्शन में p जो है इसको डिवाइड कर रहा है ab को k रेशियो 1 में यानी p हो गया इसका एक इंटरनल पॉइंट तो बेटा कंडीशन क्या होगी फॉर्म लेगी m1 x2 m1 कितना है k x2 कितना आपके पास माइनस 8 m2 कितना है 1 x1 की वैल्यू हो गई माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m1 y2 m1 की वैल्यू कितनी आपके पास k y2 की वैल्यू आपके पास है 9 m2 की वैल्यू है आपके पास 1 एंड y1 की वैल्यू आपके पास माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय k प्लस 1 ये आपके पास वैल्यू गेट होती है ओके अब इसे कैलकुलेट कीजिए p m कॉमा 6 इज इक्वल टू माइनस के 8k माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय k प्लस 1 9k माइनस के 1 इज डिवाइडेड बाय k प्लस 1 ओके ये पॉइंट आ गया आपके पास अब आपको करना है फिर से ऑर्डर्ड पेयर में है देखिए ऑर्डर्ड पेयर आ गई ऑर्डर्ड पेयर में क्या करेंगे x को x के साथ कंपेयरिंग और y को y के साथ कंपेयरिंग करेंगे किसी एक के साथ यूज कर लीजिए देखिए यहां पे ये भी एक अननोन क्वांटिटी ये भी एक अननोन क्वांटिटी यदि मैं ऑन x एक्सिस में बारे में बात करूं तो दोनों अननोन अननोन हो जाएंगी तो वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ठीक है तो इसलिए हम क्या करते हैं एक अननोन और एक नोन को यूज करते हैं
तो एक नॉन तो ये रहा 6 और एक अननोन ये रहा 9k-1 इज डिवाइड बाय k प्लस 1। इसमें हम कहां पे जाएंगे, ऑन वाई एक्सिस पे जाएंगे। तो ऑन वाई एक्सिस आपके पास वैल्यू की दे रही है 6 इज इक्वल टू 9k-1 इज डिवाइडेड बाय k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 6k+6 इज इक्वल टू 9k-1 k वैल्यू वन साइड और कांस्टेंट क्वांटिटी वन साइड। कितना आपके पास आएगा -k 3k इज इक्वल टू -k 7। इट मींस k की वैल्यू गेट हो गई आपके पास 7/3। क्लियर होगी बात, कैलकुलेशन कर देखिए ना बेटा एक बार। ओके बच्चे, तो यार आप एक बात बताओ यार, अब आपके पास क्या था रेशियो बताया थे, क्या था रेशियो k/1, k कितना है 7/3/1। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी रेशियो की बताइए, कितना रेशियो आ गया 7/3। तो यानी जो पॉइंट पी था आपका वो इस AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 7/3 में डिवाइड करता है। और उसने क्या पूछा आपसे, और नेक्स्ट पॉइंट उसने आपसे पूछा कि यार मुझे K के साथ साथ रेशियो के साथ साथ आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ M। अब मुझे M की वैल्यू पता है क्या होगी। देख यार M की वैल्यू गेट करने के लिए अब यूज कर ले ऑन एक्स एक्सिस। जब तुम एक्स एक्सिस का यूज करोगे तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है एम, यहां पर एक्स की वैल्यू ये -k 8k-3 इज डिवाइडेड बाय k+1। ओके, अब k की वैल्यू पुट कर लीजिए, k की वैल्यू कितनी गेट की हमने 7/3, यहां पुट कर लीजिए -8 × 7/3-3 इज डिवाइडेड बाय आपके पास 7/3+1 और इसको कैलकुलेट कर लेना डू योर सेल्फ। तो यहां सब गेट कर लेंगे m की वैल्यू को। क्लियर हो गया बेटा। ओके, आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट।